बात हो रही है महिला आरक्षण की, कानून तो बन जाएगा, लागू कब होगा, दुनिया भर के देशों की बात करें, रवांडा जैसा देश भी 60% से ज़्यादा आरक्षित है। आरक्षित क्या मतलब, प्रतिनिधित्व है महिलाओं का वहाँ पर। मेक्सिको, न्यूजीलैंड, UAE 50-50%, हम अभी 15 पर ही अटके हुए हैं। कब बदलेगी ये तस्वीर, 40 सेकंड में जवाब चाहूँगा। सुष्मिता देव, देखिए जब संविधान लिखा जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे संदीप जी, महिला मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा था कि कोई आरक्षण मत रखिए, क्योंकि अगर आप 30% पे रखेंगे तो शायद महिलाओं के लिए कम पड़ेगा आज़ादी के बाद। और आज देखिए आज़ादी का कि इतने साल बाद अमृतकाल चल रहा है और आप खुद बोल रहे हैं कि इतने कम लोग हैं, आपने देखा है कम महिलाएं हैं सदन में। मेरा ये मानना है कि अगर इस बिल को लागू करना है इसको इमीडिएटली करिए। 545 लोकसभा में सीट्स हैं और विधानसभा में जितने भी अलग अलग सीट्स हैं, अभी उसको लागू कीजिए। तो तत्काल लागू क्यों नहीं कर सकते, ये 128वां संशोधन क्यों आया, सीधा राज्यसभा में बिल पारित था लोकसभा में करवा कर, और 2024 में ही महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए क्या 33% सीटें आरक्षित नहीं हो सकती थी। पलट तस्वीर, ये एक शुरुआत तो हुई है पर इसी में राजनीति अटकेगी क्या। बात महिला आरक्षण की, महिला सशक्तिकरण की, और हिमांशु गौड़ मुंबई से कह रहे हैं जब बेटा बेटी एक समान तो 33% की जगह 50% आरक्षण होना चाहिए। यहाँ 33 पर हिमांशु बाबू घमासान मचा हुआ है, 50 की बात कहाँ तक और कब पहुंचेगी, सवाल आपके लिए। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।